हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। आप देख रहे हैं अरुण कार बेसिक जानकारी चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कार के पावरफुल साउंड सिस्टम को होम थिएटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको उसके कनेक्शन के बारे में बताऊँगा और उसकी टेस्टिंग भी कराऊँगा। और जैसे कि दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए मैंने आज कुछ कनेक्शन कर रखे हैं और आज मैं आपको सिर्फ कनेक्शन समझाऊंगा और थोड़े से कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी, हम अपने 4 चैनल एम्प के साथ घर पर एक होम थिएटर तैयार कर सकते हैं। तब से ही कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमें मोनो एम्प के बारे में बताएं कि मोनो एम्प से हम अपने घर पे कैसे एक साउंड सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ये हमारा 4 चैनल का ग्राउंड वायर। दोस्तों ये ग्राउंड वायर हमारे मोनो एम्प की तरफ जा रही है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड वायर है और ये हमारी बैटरी के लिए एक सप्लाई तैयार है और ये हमारे मोनो एम्प में लगी हुई है वायर और यहाँ पर हमारे 4 चैनल एम्प में। और दोस्तों ये है हमारी रिमोट वायर। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है हमारी रिमोट की वायर और ये रिमोट वायर हमारी ये आ रही है और दोस्तों ये रिमोट वायर हमारी रिमोट वायर में लग रही है यहाँ पर बीच में, जैसे कि देख पा रहे हैं रिमोट वायर दोस्तों हमारी ये है। और दोस्तों एक वायर है हमारी ये जो बैटरी से प्लस से आती है 12 वोल्ट की वायर। दोस्तों ये देखिए ये जो है हमारे मोनो एम्प में आ रही है, ये मोनो एम्प का जो है प्लस वाली वायर। और यहाँ से दोस्तों हमें 3 वायर मिल रही हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारी ग्राउंड की वायर, ये हमारी रिमोट वायर और दोस्तों ये है हमारी प्लस की वायर। अब मैं आपको दोस्तों कुछ सबवूफर के कनेक्शन बता दूँ। दोस्तों ये दोनों जो आप वायर देख पा रहे हो ये हमारे सबवूफर में से आ रहे हैं। ये जो आप प्लस की वायर देख रहे हैं ये हमारे मोनो एम्प में जा रही है। और दोस्तों एक हमने माइनस की वायर ये ले रखी है, ये भी हमारे स्पीकर की है, सॉरी सबवूफर की, ये हमारे सबवूफर के वायर में जा रही है। दोस्तों ये कुछ इस तरह से हमने इसकी वायरिंग कर रखी है। दोस्तों आज की जो वायरिंग मैंने इसीलिए ज़्यादा एक साथ नहीं की क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता, फिर इसीलिए मैंने आपको थोड़ी वायरिंग करके दिखाई है। चलिए अब मैं अपने स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। और जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो हमने अपने स्पीकर के कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए ये हमारा पहला स्पीकर, इसकी वायरिंग ये है, एक स्पीकर हमारा ये कनेक्ट हो गया और दूसरा स्पीकर दोस्तों हमारा ये है, दूसरा स्पीकर हमारा इधर कनेक्ट है। और दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर 4 चैनल एम्प का उपयोग कर रहे हैं, इस एम्प पर आप 4 स्पीकर भी चला सकते हो। चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टीरियो की वायरिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ। स्टीरियो की वायरिंग करेंगे अब हम। दोस्तों स्टीरियो की वायरिंग पहले से मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि वायरिंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी समझ में नहीं आता, फिर इसलिए मैं अब आपको स्टीरियो की वायरिंग बता देता हूँ। और जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्टीरियो। अब मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बता दूँ। दोस्तों अब मैं अपने स्टीरियो की वायर कनेक्ट करूँगा। दोस्तों स्टीरियो की वायर हम डायरेक्ट एम्प में ही कनेक्ट कर देंगे जिससे हमारी ज़्यादा वायरिंग नहीं होगी। चलिए तो ये है हमारा 12 वोल्ट स्टीरियो का जो हम अपने एम्प में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये बैटरी पर से आ रहा है डायरेक्ट, 12 वोल्ट बैटरी का जो होता है टर्मिनल वहाँ से ये कनेक्शन आ रहा है। चलिए मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों ये हमारी रिमोट वायर, चलिए मैं इसको रिमोट वायर में कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी रिमोट वायर भी कनेक्ट हो गई। दोस्तों ये है हमारा ग्राउंड वायर, मैं अपने यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों हमने 3 वायर अपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं स्टीरियो के और हमने अपने 4 चैनल से डायरेक्ट कनेक्ट करे हैं। और 4 चैनल से दोस्तों ये जो वायर है ये मोनो एम्प में जा रही है और मोनो एम्प में से दोस्तों ये डायरेक्ट बैटरी पर जाएंगी। चलिए अब हम अपनी RCA लीड कनेक्ट करते हैं और ये हम अपने पहले चैनल में कनेक्ट करेंगे, प्लस और माइनस। हमारी RCA लीड हमारे स्टीरियो में लग चुकी है दोस्तों। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों अपने मोनो एम्प पर। जी हाँ, हम इसे मोनो एम्प में कनेक्ट करेंगे। चलिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये है हमारा मोनो एम्प, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें 2 RCA लीड दे गई हैं
ये एक है इसकी आउटपुट और दोस्तों एक है इनपुट। तो ये जो RCA लीड हैं दोस्तों हमारी स्टीरियो में से आ रही हैं। चलिए हमें इसको इनपुट में कनेक्ट करना है दोस्तों। हमें ये मैंने इनपुट में कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। ये RCA लीड मैंने अपने हाथों से बना रखी है। अब हम इसको मोनो एम से 4 चैनल एम तक कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आउटपुट की 2 RCA लीड बची हैं दोस्तों। यहाँ से हम अपने 4 चैनल एम के लिए RCA लीड इनपुट करेंगे और 4 चैनल एम में लगाएंगे। ये मैं 4 चैनल एम की RCA लीड इनपुट कर दे रहा हूँ। ये दोस्तों हमारी RCA लीड लग चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने 4 चैनल एम की तरफ। अब ये वाली जो हम RCA लीड देख पा रहे हो दोस्तों आप, ये हम अपने 4 चैनल एम में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये हमारे RCA कनेक्टर दोस्तों जो हमारे 4 चैनल एम में लगे हैं। और ये RCA लीड दोस्तों हमारे मोनो एम में से आ रही है। ये देखिए आप दोनों को हम यहाँ पर इन्हें ज्वाइंट कर देंगे, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोस्तों। अब हमारे RCA लीड के दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ, 3 वायर हमारे पास बचते हैं। जो 3 वायर हमारे पास बचे हैं वो हैं ये, एक हमारा ग्राउंड वायर और दोस्तों एक प्लस वाला, और दोस्तों एक है यहाँ पर हमारा रिमोट वायर। दोस्तों हमारे पास 3 वायर हैं ये। अब हम रिमोट वायर और प्लस वाले को दोस्तों एक जगह कर देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों ये हमें लगाना है अपने बैटरी के प्लस में और ये माइनस में दोस्तों, और हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। आज दोस्तों हम यहाँ पर स्विच का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। स्विच का कनेक्शन करने से दोस्तों वायरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे तो आप यहाँ पर स्विच लगा भी सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्विच नहीं लगा रहा हूँ। चलिए अब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ और आपको साउंड सिस्टम चेक कराता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी वायरिंग एम में से आ रही हैं और यहाँ पर हमारी बैटरी में कनेक्ट हैं। और ये जो दोस्तों आप वायर देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे चार्जर में से आ रही हैं, जो हमारा चार्जर बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी से दोस्तों हमारा ये पूरा सिस्टम रन होगा दोस्तों। चलिए अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, देखने में कुछ सेटअप हमारा इस तरह से लग रहा है। चलिए अब मैं आपको एक NCS का सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको हेडफोन या फिर एयरफोन का यूज़ करना है, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। और जिन भाइयों को सॉन्ग्स की वीडियो देखनी हो वो मेरी इंस्टाग्राम ID पर जाकर देख सकता है। इंस्टाग्राम की ID आपको ऊपर शो हो रही होगी।